अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ हेयर ऑयल जो बालों को घना और लंबा और झंडे से रोकने के लिए। मैं इसके अंदर देखिए ले ली कलौंजी, मेथी और कश के काड़ियाँ हैं इसके, और देखिए ऑलिव ऑयल है इसको देखिए, और खोपरे का तेल है, जैतून का तेल बोलते देखिए इसको, और ये खोपरे का तेल है। हम क्या करेंगे, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम कलौंजी और 200 ग्राम मीठा तेल और ऑलिव ऑयल जो है 100 ग्राम लेंगे, लेके इसको ऐड करेंगे। देखिए मैं इसके बाद प्रोसीजर आपको बताती हूँ आगे आगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता। देखिए आप लोग बनाइए मेरे तरीके से। हम क्या करेंगे, मेथी को अच्छे से कच्ची रहना, मेथी को इसको पीस लेंगे, पीस लेके कांच का बॉल लेंगे, कांच के बॉटल में कश के काड़ियाँ डाल देंगे, कश के काड़ियाँ डाल दे के देखिए इसके अंदर, देखिए इसको कश के काड़ियाँ भी बोलते हैं, और इसको देखिए और एक तरीके से बोलते हैं इसको, उसका नाम देखिए जड़ बोलते हैं इसको। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अच्छे से, इसको अंदर कर देंगे, बालों की जड़ भी बोलते हैं इसको। देखिए अब मैं देखिए अच्छे पाउडर बना ली मेथी को, मेथी के अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहे अगर ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी बढ़ा देना आप खोपरे का तेल की, जैतून के तेल की और कलौंजी की, मेथी की, और आपका जो मीठा तेल और खोपरे का तेल और जैतून का तेल जो डालने का है ना, उसमें डालने के लिए ज़रा बड़ा ले लेना कांच का शीशा, ये छोटा है ना, ये छोटे के हिसाब से मैं बना रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाए तो ज़रा बढ़ा लेना। देखिए अब ये कलौंजी है, कलौंजी को पीस लिए, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद अपन मीठा ये दोनों तेला भी ऐड कर लेंगे, खोपरे का तेल भी, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल ऐड कर लेने के बाद हम इसको रख देंगे 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। आप चाहे जितना चाहे उतना अच्छा रहता, 8 दिन भी रख के आप उसके बाद लगाइए, देखिए हल्लू हल्लू रिजल्ट आता, एकदम रिजल्ट नहीं आता। आप रेगुलर यूज़ करते जाइए, आपको आहिस्ता आहिस्ता देखिए आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये कुदरती चीज़ें हैं, देखिए इससे हमारे बाल झड़ना कम हो जाएंगे। और ये तेल इस्तेमाल करने के बाद अपन जो शैम्पू यूज़ करते ना, वो शैम्पू यूज़ नहीं करना। वो शैम्पू अगर बनाना है आप लोगों को, अगर तो अगर आप लोगों को हर्बल का बताना है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं हर्बल का शैम्पू भी आप लोगों को सिखाऊंगी कैसा बनाते इसको। और अगर आप शैम्पू आप एकदम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली यूज़ नहीं करना बालों के ऊपर। जो बाज़ार में जो शैम्पू मिलते, डव, पैंटीन जो भी मिलते ना, उसमें केमिकल्स ज़्यादा रहते, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिला के आपके बालों में लगाइए। नहीं तो अगर डायरेक्ट अगर आप शैम्पू लगा देंगे तो आपके बाल झड़ना रुकते ही नहीं, झड़ते ही जाते। देखिए इसके अंदर खोपरे का तेल हम ऐड कर लेंगे, जैतून का तेल भी, देखिए बहुत ही अच्छा रहता, देखिए जैतून का तेल इसके अंदर ऐड कर ली देखिए मैं। दोनों ऐड कर लेने के बाद हम रख देंगे इसको, फ्रिज में नहीं रखना है इसको, बाहर ही रखना। देखिए ढक्कन ढाप के रख देंगे इसको, अच्छे से हिला देंगे हम। मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हर्बल तरीक़े से शैम्पू अगर बताना है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं हर्बल शैम्पू भी बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।